हेलो फ्रेंड्स, अपने अर्ली मिडिवल के पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारे जो राजपूत डायनेस्टी में जो किंग्स थे उनके नाम बताए, और आसपास के एरिया में जितने भी डायनेस्टी थी नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्थ में, वो सारे नाम भी बताए मैंने, और वो कब से किस टाइम के बीच में रहे। अब मैं उनके डिटेल में जाऊँगा। तो जैसे कि मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में बताया था, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो टाइमिंग था वो आप देखिए 8th सेंचुरी AD से लेके 1036 AD तक थे ये गुर्जर प्रतिहार, जो कि मैंने अपने पिछले क्लासिफिकेशन में आपको बताया था। अब देखिए, प्रतिहार जो है, ये प्रतिहार गुर्जर रेस से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार भी बोला जाता है। और ये क्या करते थे कि इन्होंने पहले उज्जैन में रूल किया और बाद में ये कन्नौज में रूल कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये प्रतिहार सुनेंगे आप तो दो जगह ज़्यादा सुनेंगे, उज्जैन और कन्नौज। क्यों? क्योंकि पहले उज्जैन में रहते थे, रूल करते थे, बाद में ये कन्नौज में रूल करने लगे। ठीक है, ये कन्नौज वही है जो हर्षवर्धन की कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपनी कैपिटल को कन्नौज बनाया। ठीक है, और क्योंकि कन्नौज जो था उस समय क्या था कि नॉर्थ में हर्षवर्धन के बाद ये लोगों को ऐसा लगता था कि जिसने कन्नौज पे मतलब अपना अधिकार जमा लिया तो वो सोवरेंटी हो जाएगी, कि नॉर्थ इंडिया में मेन रूलर वही है। इसीलिए सब कन्नौज के लिए एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल भी था, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको, कि मैंने अपने मैप वाले वीडियो में भी वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का आपको मैप दिखाया था, किस तरह से राष्ट्रकूट, पाला और गुर्जर प्रतिहार आपस में लड़ा करते थे कन्नौज को लेकर। ठीक है, तो वो कन्नौज हर्षवर्धन के टाइम से ही फेमस था, तो ये कैपिटल इन्होंने कन्नौज रखी। ठीक है, लैंग्वेज या क्या थी, संस्कृत और प्राकृत, ये दो लैंग्वेज होती थी। रिलीजन क्या था, ये हिंदू हिंदुइज्म फॉलो करते थे। ठीक है, अब देखिए प्रतिहार से पहले कौन था और बाद में कौन था। जो प्रतिहार हैं ये पुष्यभूति डायनेस्टी मतलब हर्षवर्धन जो थे उनके, वो थे पहले, और उसके बाद प्रतिहार आए, और प्रतिहार के बाद इनके जो फ्यूडेटरीज थे चंदेलाज, ये चंदेलाज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये आप देख रहे हो इनसे पहले कौन आया और इनसे बाद में कौन आया। ठीक है, और ये आप देखो गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है, अब आप ये पूछेंगे कि ये डायनेस्टी ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ऐसा क्या खास किया होगा कि हम हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनके बारे में पढ़ने का जो मेन रीज़न है, जो चीफ कंट्रीब्यूशन था गुर्जर प्रतिहार का इंडिया में, वो मेन जो रीज़न आप समझोगे वो देखोगे कि इनके टाइम पे ही ये अरब इन्वेजन हो रहे थे फ्रॉम इंडस, ये जो सिंधु नदी थी जो कि मैंने अपने मैप वाले वीडियो में इसीलिए आपको पोजीशन सारी बताई हुई थी कहाँ पे। ठीक है, ये सिंधु नदी से ये चाह रहे थे कि ईस्ट में आ जाएं, अरब अरब से लोग अटैक कर रहे थे। ठीक है, उस समय खलीफत का काफी वो था, रूल था खलीफत, वो क्या चाह रहे थे कि वो मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब एरिया कवर किया जाए और इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए लोगों को। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से अरब इन्वेजन हो रहे थे, और ये कब से हो रहे थे, फ्रॉम द डेज ऑफ जुनैद। और ये गुर्जर प्रतिहार क्या कर रहे थे, गुर्जर प्रतिहार क्या करते थे कि ये मतलब इस एक बैरियर की तरह काम कर रहे थे। देखिए गुर्जर प्रतिहार जो थे ये क्या करते थे कि जो सिंध एरिया था, सिंध एरिया में जो मतलब जो अरब के लोग थे जो अटैक करते थे, तो ये बार बार उनके लिए एज ए बैरियर काम करते थे, उन्होंने घुसने नहीं दिया इंडिया में उनको। नहीं तो आप देखोगे कि वर्ल्ड में जिस तरह से ये अरब वाले लोगों ने ये मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया और इतना मतलब एक्सपैंड किया, आप देखोगे कि उतनी पेस से इंडिया में नहीं हो पाया, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिया था उनको। ठीक है, अरब इन्वेजन को। और ये अरब इन्वेजन जो ये कब तक के गुर्जर प्रतिहार ने कब तक रजिस्ट किया आप देखो, फ्रॉम द डेज ऑफ जुनैद ऑफ सिंध, सिंध में एक जुनैद हुआ करता था 725 AD में, उससे लेके मोहम्मद गजनी के आने तक इन्होंने प्रॉपर रजिस्टेंस दिया है कि अरब लोग अरबी लोग आ ना पाए अंदर। ठीक है, इंडिया के, ये आपने देखा। और ये आप देखिए कि चीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो गुर्जर प्रतिहार, इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज द पावर ऑफ गुर्जर प्रतिहार आर्मी दैट इफेक्टिवली बार्ड द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम्स बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ सिंध, देयर फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट फॉर द नियरली 300 ईयर्स। ये जो मतलब गुर्जर प्रतिहार थे, इन्होंने एक बैरियर की तरह काम किया मुस्लिम को कि ये सिंध से आने ना पाए। ठीक है, नहीं तो ये सिंध से आते हुए अंदर एंट्री करते इंडिया में, और ये सिंध में ये 300 साल तक ये लोग रहे मुस्लिम, लेकिन अंदर आने का इनको मौका नहीं दिया गया।
कि इस तरह से अंदर आए। ये इन्होंने रेजिस्टेंस दिया, कंटिन्यूस रेजिस्टेंस दिया। बाद में कुछ तुर्किश रूलर अटैक करेंगे, ठीक है, अफगानिस्तान से, जैसे कि आप जानते हो कि मोहम्मद गजनी आया था, तो वो आएंगे बाद में, लेकिन फिर भी इन्होंने रेजिस्टेंस, प्रॉपर रेजिस्टेंस दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इट वॉज द पावर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार आर्मी। ये गुर्जर और प्रतिहार आर्मी की ही पावर थी दैट इफेक्टिवली बार द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम, जिसने इफेक्टिवली मुस्लिम को के प्रोग्रेस को रोका अंदर आने से, बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ सिंध। सिंध में थे वो पहले, और सिंध के बाहर इंडिया तक आने में उनको रोका। देयर फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट फॉर सिंध, कौन सी जगह, देयर फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट फॉर नियरली 300 ईयर्स, ठीक है। ये अब देखिए रूलर, अब जब गुर्जर प्रतिहार आप पढ़ रहे हो तो आपको रूलर भी तो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से रूलर रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रूलर थे इनके थे नागभट्ट प्रथम। असल में प्रथम और द्वितीय ये सब कब आता है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे कोई डायनेस्टी है उसमें मतलब पहले जो किंग आया उसका नाम कुछ था, उसके बाद उसके नीचे के जो राजा रहे, उसके बाद जो लोग आए सक्सेसर उनके, उनमें भी सेम वही नाम हो गया। तो अब ऐसा होगा कि अगर नागभट्ट पहले भी आया, फिर नागभट्ट 3-4 बार और आ गए बाद में, तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन मतलब बाप था, कौन उसके मतलब परदादा, पूर्वज कौन है, कौन उसके बाद सक्सेसर है। तो इसलिए 1 2 3 कर देते हैं। नागभट्ट जब पहले रहा होगा तो वो नागभट्ट ही था, प्रथम थोड़ी ना बोलते होंगे उसको लोग, उसको नागभट्ट ही बोलते होंगे। लेकिन उसके बाद के जब सक्सेसर आ गए तो जब हम स्ट्रीम पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है नागभट्ट 1, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो ये नागभट्ट है, नागभट्ट 730 से 756 AD तक रहे। और इन्होंने क्या किया, ये मंदोर एक जगह थी, मंदोर जोधपुर में, वहां से लेके मालवा तक पूरा रीजन इन्होंने जीता, ग्वालियर इन्होंने जीता, और पोर्ट ऑफ भरूच इन गुजरात, गुजरात में जो भरूच पोर्ट है उस पर भी कब्जा किया था नागभट्ट ने, ठीक है। कैपिटल इनकी क्या थी, अवंती, अवंती मालवा में, अवंती एक जगह है वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, अवंती मतलब उज्जैन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, चेक्ड एक्सपेंशन ऑफ अरब हु हैड एस्टेब्लिश देमसेल्व इन सिंध। इन्होंने जो अरब जो लोग आ रहे थे, अरब से जो सिंध में जिन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था, तो ये उनको रोकने का काम कर रहा था नागभट्ट ने। और एक बैटल ऑफ राजस्थान भी हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था बैटल ऑफ राजस्थान, हुआ था अरब कमांडर जुनैद, ये जो जुनैद था ये मोहम्मद बिन कासिम के बाद में आया था। और इसने क्या किया, और इसके इसके बीच और नागभट्ट, नागभट्ट के बीच में एक बैटल हुआ था बैटल ऑफ राजस्थान। इसमें किसने, नागभट्ट के साथ कौन था, उसके जो फ्यूडेटरीज, जो सामंत लोग होते थे जिनके अंडर में काम करते थे, नागभट्ट के अंडर में काम करने वाले सामंत, वो चौहान और गहलोत, ये दोनों मिलके बैटल हुआ। और इसमें जुनैद मतलब हार गया और ये भाग के गया वापस, अरब वापस भाग गया था। तो ये आप देखोगे कि किस तरह से नागभट्ट ने प्रॉपर रेजिस्टेंस दिया है, और ये नागभट्ट के लिए एक प्रशस्ति भी है, और वो प्रशस्ति में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए ये नागभट्ट के समय की एक प्रशस्ति है, जिस जो कि उस जमाने के जो लर्नेड ब्राह्मण्स होते थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया करते थे, वो क्या करते थे, एक प्रशस्ति तैयार करते थे जिसमें कि उस जमाने के जो किंग्स होते थे उनकी बड़ी प्रशंसा की जाती थी, ठीक है। तो ये आप देखिए जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है उसके उसके जो किंग नागभट्ट हैं उनकी प्रशस्ति भी है। तो इसमें क्या है कि मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट एंड प्रशस्तीज, ठीक है। और प्रशस्ति जैसे कि आपने ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति आप सुनते हो तो वही प्रशस्ति है। अब वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहारा किंग एज फॉलोस। तो क्या लिखा है, प्रशस्ति कैसी होती थी ये देख लीजिए। ये लिखा है द किंग ऑफ आंध्रा सैंधवा सिंध विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज ए प्रिंस। मतलब देख रहे हैं आप तारीफ कितनी लेवल की जा रही है, कि जो आंध्र प्रदेश के, सिंध के, विदर्भ, महाराष्ट्र, कलिंग के जो किंग थे वो इनके पैरों में गिर गए, जबकि ये प्रिंस छोटे हुआ करते थे, राजकुमारी थे नागभट्ट। नागभट्ट की तारीफ में ऐसा बोला जा रहा है। ही वन ए विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज, ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा पार्ट ऑफ बंगाल, अनर्ता पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराता फॉरेस्ट पीपल, तुरसुका तुर्क्स, वत्स मत्स्य बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। ये आप देख रहे हो किस तरह की, ये नागभट्ट की एक प्रशस्ति है जो कि कहाँ से मिली है, ग्वालियर एमपी से, ठीक है। तो ये इस तरह की प्रशस्ति हुआ करती थी। ये नागभट्ट के बाद और भी उसके सक्सेसर आए, लेकिन वो उतने फेमस और पॉपुलर नहीं रहे। तो उसके बाद वत्सराज आए थे इनके फेमस सक्सेसर में,
तो ये वत्सराज ने क्या किया था, डिफीटेड पाला रूलर धर्मपाल, इन्होंने पाला जो गंगा जो पाला रूलर थे बंगाल में, उनके एक रूलर धर्मपाल को हरा दिया था वत्सराज ने, और ये राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग को हरा दिया था। राष्ट्रकूट में एक किंग थे दंती दुर्ग, तो आप देख रहे हो वत्सराज ने दोनों को हराया, पाला रूलर को भी हराया और दंते दुर्ग को भी हराया राष्ट्रकूट के, फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज, कन्नौज के कंट्रोल के लिए ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज को लेके, हर्षवर्धन के डेथ के बाद से ही, तो मतलब सोवरेंटी चाह रहे थे कि कन्नौज जिसने एक्वायर कर लिया वो मतलब वो अपने आप को नॉर्थ के नॉर्थ में एकदम एस्टेब्लिश कर लेगा कि हाँ वही रूलर है, तो सोवरेंटी आ जाएगी उसके पास इस तरह का। और वो मतलब इंडो गैंगेटिक, वो गैंगेटिक प्लेन भी था और काफी फर्टाइल भी था, ट्रेड भी वहां से होता था, कन्नौज बहुत फल फूल गया था हर्षवर्धन के टाइम से, इसलिए सब कन्नौज पे ही अधिकार करना चाह रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या, अराउंड 786 AD द राष्ट्रकूट रूलर ध्रुवा, अब राष्ट्रकूट को हराया और दंते दुर्ग को हराया, राष्ट्रकूट और ये पाला रूलर को हराया, तो कुछ तो होगा रिएक्शन। तो 786 AD में क्या हुआ, राष्ट्रकूट रूलर जो थे ध्रुव, 780 AD से 793 AD के बीच जिनका टेन्योर है, उन्होंने नर्मदा रिवर को क्रॉस किया और मालवा गए, और फ्रॉम देयर ट्राई टू कैप्चर कन्नौज, उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की कन्नौज को और वत्सराज को हरा दिया। अब आप देखो, पहले तो वत्सराज ने दोनों को हराया, लेकिन उसके बाद राष्ट्रकूट लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और ध्रुवा जो राष्ट्रकूट रूलर थे उन्होंने वत्सराज को हरा दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरे रूलर आए, नागभट्ट सेकेंड, नागभट्ट सेकेंड, अब देखो आप सेकेंड नाम क्यों है, क्योंकि दूसरा फिर से नागभट्ट आ गए, तो अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनको सेकेंड बुलाया जाता है। ठीक है, पहले वाले जो सबसे पहले आए, सेकेंड फिर बाद में आए, तो ये इनका जो टेन्योर था वो 805 से आए 833 AD तक ये रहे। और नागभट्ट ने क्या किया, अर्लियर डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट रूलर, मतलब आप देख रहे हो ध्रुवा ने पहले हरा दिया वत्सराज को। ठीक है, तो अब ये नागभट्ट द्वितीय भी आए, तो ये भी हार गए पहले राष्ट्रकूटों से, कौन किससे आ रहे थे, ये गोविंदा तृतीय। अब देखिए गोविंदा तृतीय क्यों, अब गोविंदा उनके एक राष्ट्रकूट में रहे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीसरे नंबर वाले से आ रहे थे, 793 से 814 तक गोविंदा थ्री का रूल था, और बट लेटर रिकवर्ड मालवा फ्रॉम राष्ट्रकूट। अब देख रहे हो ध्रुवा, ऊपर मैंने बताया आपको कि ध्रुवा ये मालवा तक गए थे, तो मालवा वाले सब कब्जा कर लिया था ध्रुवा ने। तो नागभट्ट ने क्या किया, पहले तो ये राजकूट से हारे गोविंदा तृतीय से, लेकिन उसके बाद इन्होंने मालवा को वापस से रिकवर कर लिया राष्ट्रकूट से। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि ये नागभट्ट ने क्या किया कि ये इन्होंने कन्नौज को वापस से, पहले तो इन्होंने मालवा रिकवर किया, फिर कन्नौज को भी जीत लिया, एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन एज फार एज बिहार फ्रॉम द पालाज। अब देख रहे हो, अब ये नागभट्ट पहले तो एक बार हारे गोविंदा तृतीय से, लेकिन फिर बाद में जो सेकेंड वाले नागभट्ट थे इन्होंने से मालवा रिकवर किया, कन्नौज ले लिया, और ये बिहार तक गए, पालास तो को हरा दिया। और ये जैसा कि सब कर रहे थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में, तो इन्होंने भी किया, जो वेस्ट साइड में मुस्लिम थे उनको रोका। ठीक है, और नागभट्ट द्वितीय ने ही ये जो ग्रेट शिवा टेम्पल सोमनाथ में जो शिवा टेम्पल है 815 AD के आसपास, इन्होंने इसको रिबिल्ड कराया। इससे पहले क्या था कि वो थोड़ा डैमेज हो गया था, तो इन्होंने रिबिल्ड कराया। और फर्स्ट शिवा टेम्पल कब बना इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब हिस्टोरियन के पास। और ये सोमनाथ टेम्पल के बारे में आप देखोगे आगे चल के, इसका कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन बार बार लोगों ने कराया है, पहली बार किसने कराया, दूसरी बार किसने कराया, तीसरी बार किसने कराया, इस तरह की बातें आती रहती हैं। तो आप देखोगे कि बाद में सोलंकी जो थे, जो मैंने बताया गुजरात के चौलुक के बोले या सोलंकी बोले, इन्होंने भी बाद में कंस्ट्रक्शन करा था मूलराज ने, तो ये कंस्ट्रक्शन चलता रहता है हिस्ट्री में, कई बार ये सोमनाथ का कंस्ट्रक्शन हुआ है जो सोमनाथ टेम्पल था गुजरात में। ठीक है, विच वॉज डिमोलिश, अभी इन्होंने ये अरब रेड जो हुई थी सिंध से उसमें ये डिमोलिश हो गया था ऐसा बोलते हैं सोमनाथ टेम्पल, तो इन्होंने फिर से उसको दोबारा से बनाया, ठीक है ऐसा बोलते हैं। इसके बाद और भी कई आए होंगे सक्सेसर, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं थे। फिर आए एक मिहिर भोज, मिहिर भोज ये 836 से लेके 886 AD तक ये मिहिर भोज रहे। ठीक
ठीक है। और मिहिर भोज ने कहाँ कहाँ तक एक्सपेंशन किया था, ये देखिए, ये भी बहुत पावरफुल रूलर थे मिहिर भोज। इन्होंने ये सिंध जो है आपका, ये मतलब सिंध में तो वो अरब मुस्लिम रह ही रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, वहां के बॉर्डर तक थे और नीचे नर्मदा तक गए, और ये आपके ईस्ट में बंगाल तक का पूरा एक्सपेंड कर लिया था, इनका रीजन इतना हो गया था मिहिर भोज का। और ये कब से कब तक रहे थे, ए बीच ये मिहिर भोज जो 836 से 886 AD तक रहे, इनका दूसरा नाम भोज वन भी कह सकते हैं इनको, भोजा वन, ठीक है, राजा भोज वन, ठीक है। और ये विष्णु भगवान के डिवोटी थे, और इनका जो टाइटल था, इन्होंने आदिवारा का टाइटल ले रखा था, ठीक है। और इन्होंने कैपिटल कन्नौज थी इनकी, इनके समय में, और कन्नौज को उस समय पंचाला बोला जाता था। और इन्होंने क्या किया था मिहिर भोज ने, कि ही इन्वेडेड द पाला एम्पायर ऑफ बंगाल बट डिफीटेड बाई देवपाला। अब इन्होंने भी कोशिश करी कि हम पाला जो एम्पायर है बंगाल का उन पे अटैक करते हैं, लेकिन हार गया देवपाला से। लेकिन हुआ क्या कि आफ्टर देवपाला डेथ, देवपाला की डेथ के बाद भोजा डिफीटेड पाला किंग नारायण पाला को इन्होंने हरा दिया, और इन्होंने राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा द्वितीय को भी हरा दिया। अब राष्ट्रकूट में भी कृष्ण नाम के कई आए हुए, इसीलिए जो सेकंड नंबर पे जो आए कृष्णा द्वितीय, वो राष्ट्रकूट रूलर हो गए, ठीक है। इनको हराया राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा द्वितीय और नारायण पाला, इनको हराया, ठीक है। तो ये आपने देखा। और ये इसके बाद क्या हुआ कि ही कंकर्ड द टेरिटरीज ऑफ राजस्थान, गुजरात, एमपी, इन्होंने ये जो टेरिटरीज हैं इनमें राजस्थान, गुजरात, एमपी कुछ टेरिटरीज को कंकर कर लिया, ठीक है। और चंदेलाज और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में जो चंदेलाज थे, इन्होंने इनकी सुजरेंटी मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम आपके अंडर में हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मेहर भोज के बाद कौन आए, महेंद्र पाल आए, ठीक है। महेंद्र पाला ने एक्सपैंड किया फर्दर ईस्ट वर्ड। अब देख रहे हो आप, जो महेंद्र पाल आए उससे पहले तो सब कवर कर रखा था, लेकिन इन्होंने कहाँ तक बढ़ाया, ये ईस्ट में बढ़े, मगध में बढ़े, बंगाल और असम तक इन्होंने और मतलब कैप्चर किया, ठीक है। इसके बाद अब ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो थी, इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, देखिए हर डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, आगे से जाके बूम पे पहुंचने के बाद फिर से डिक्लाइन होता है, तो डिक्लाइन का क्या रीजन रहा। अब देखिए साउथ इंडियन एम्पायर इंद्र तृतीय, जो इंद्र तृतीय थे राष्ट्रकूट रूलर में, अब देखिए इंद्र नाम के भी कई सारे रहे होंगे, जो तीसरे नंबर पे जो इंद्र आए वो राष्ट्रकूट रूलर, ठीक है। तो साउथ इंडियन एम्पायर इंद्र तृतीय, जिनका जो टेन्योर था 914 से 928 AD तक रहा, उन्होंने कन्नौज को कैप्चर कर लिया 916 AD में, ठीक है, अपने ड्यूरेशन में उन्होंने कैप्चर कर लिया राजकुट ने। ऑल्दो द प्रतिहाराज रिगेन द सिटी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था, दोबारा से वो रिकैप मतलब रिगेन कर लिया, ऐसा ऐसा नहीं है कि कन्नौज लगातार राजकुट के पास में रहा, प्रतिहारों ने उसको रिगेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देयर पोजिशन कंटिन्यू टू वीकेंड, फिर भी क्या हुआ कि इनकी जो पोजिशन थी वो 10th सेंचुरी में उतनी अच्छी नहीं थी, वो कमजोर हो रहे थे, क्योंकि हुआ क्या कि पार्टली एज ए रिजल्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ साइमल्टेनियसली फाइटिंग, एक साथ कई जगह से अटैक होते थे उनपे, जैसे ये तुर्किस जो थे अटैक कर रहे थे फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट साइड से तुर्किस अटैक कर रहे थे, और अटैक फ्रॉम द साउथ, साउथ से राष्ट्रकूट अटैक कर रहे थे, और पाला अलग ईस्ट साइड से लगे हुए हैं बंगाल से, तो ये तीनों तरफ से लगातार इन पे अटैक हो रहा था, तो ये वीक होते जा रहे थे। 10th मतलब आप 10th सेंचुरी देख लो, मतलब 999 तक इनको मतलब ये काफी वीक हो गए थे, 900 से 999 के बीच में, 10th सेंचुरी में आते आते, मतलब आप समझो कि 1000 तक आते आते ये बिल्कुल ही कमजोर हो चुके थे, ठीक है। अब गुर्जर प्रतिहारा लॉस कंट्रोल ऑफ राजस्थान टू देयर फ्यूडेटरीज, अब ये कमजोर हो गए, तो अब ये जो इनके सामंत थे वो अपने आपको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे, और ये कमजोर हो गए, इनका राजस्थान इनके हाथ से गया, ठीक है। एंड द चंदेलास कैप्चर्ड फोर्ट ऑफ ग्वालियर अराउंड 950 AD, और ये जो चंदेलास थे जो जिन्होंने पहले राज मिहिर भोज के टाइम पे मान लिया था कि नहीं हम आपके सामंत हैं और मतलब ठीक है आपके अंडर काम करेंगे, लेकिन बाद में ये भी उठ खड़े हुए, इन्होंने क्या किया, ग्वालियर का जो फोर्ट है वो 950 AD के आसपास उन्होंने वो कैप्चर कर लिया, और बाय द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी के एंड मतलब 1000 के बाद से, 1000 AD के बाद से क्या हुआ,
कि ये गुर्जर प्रतिहारा अंपायर जो था एकदम रिड्यूस हो गया, कितना बचा, सिर्फ कन्नौज बचा। और कन्नौज ये किसके टाइम पे हुआ था, जो एक प्रतिहार रूलर थे राजपाला, उनके टाइम पे ये हुआ था, इतना छोटा हो गया था। कन्नौज में सिर्फ गुर्जर प्रतिहार बचे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, बचा हुआ कन्नौज भी जाएगा हाथ से। वो कब जाएगा, जब महमूद ऑफ गजनी जो था तुर्किस मुस्लिम रूलर, इसने कन्नौज पे जब अटैक किया 1018 में, तो इसने वो कन्नौज भी कैप्चर कर लिया। तो अब ये कहीं के नहीं रहे, इनके पास कोई भी जगह नहीं बची और ये डिक्लाइन हो गया इनका। तो प्रतिहारा रूलर राजपाला फ्लेट, जब ये महमूद गजनी ने अटैक किया था, तो ये राजपाला जो था रूलर प्रतिहारा का, वो भाग गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो चंदेला रूलर जो थे विद्याधर, उन्होंने इसको मार दिया, ठीक है, राजपाला को। और उसके बाद लास्ट गुर्जर प्रतिहार रूलर जो था यशपाला था कन्नौज का, वो 1036 में मरा, ठीक है। तो 1036 के बाद से तो कोई प्रतिहार रूलर बचा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये देखो एंड कब है, और जो ये इनके हाथ से जो ये कन्नौज चला गया, ये तो 1018 में ही आप देख रहे हो चला गया था, कुछ बचा ही नहीं था, कोई टेरिटरी तो सब सब खत्म हो गया था। अब ये गजनी लूट के वापस गया था, तो उसके बाद फिर कन्नौज पे बिठाए गए इन कमजोर कोई रूलर थे, ये चंदेलाज जो जिन्होंने मार दिया था विद्याधर ने, जो राजपाला को मारा था। तो उसके बाद राजपाला के लड़के को बिठाया, और उसके बाद लेकिन वो इतने वीक रहे, वो कुछ इतना चला नहीं। और लास्ट में यशपाला जब मरा, तो फिर पूरा ये रूल ही खत्म हो गया कन्नौज का। और इस तरह से आपने फ्रेंड्स देखा कि गुर्जर प्रतिहारा का रूल कैसे था, क्या था। और इसी तरह मैं आपको और जितने नॉर्थ में डायनेस्टीज थी उनके बारे में बताऊंगा, और किस तरह से इनकी फ्यूडेटरीज, गुर्जर प्रतिहारा जब वीक हुए तो कौन कौन से फ्यूडेटरीज सामने आई, और कहाँ कहाँ एरिया में रूल कर रहे थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने मैप बताया, उस मैप के अकॉर्डिंग आपको ये समझना जरूरी है कि कौन से रीजन में कौन रूलर रहा करते थे, तभी आप ये गेस कर सकते हो कि कौन सी जगह। जैसे कई बार टेम्पल्स पूछे जाते हैं, तो आपको अगर ये पता है कि कहाँ पे टेम्पल है, तो आपको ये अंदाजा रहेगा तो वो रूलर कौन था उस वहां जिसने वहां रूल किया। तो जिसने रूल किया होगा उसी ऑप्शन से आप देखोगे कि उसी ने बनाया होगा वो टेम्पल, ये गेस कर सकते हो आप उस टाइम पीरियड में। तो इससे अगर आप ये समझ लोगे, तो आपको ये सारी चीजें समझने में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं, इनके टाइम पे कुछ आर्ट आर्किटेक्चर में भी कुछ हुआ है, तो वो भी चीज़ देख लीजिए। देखिए, जैसे बटेश्वर का जो हिंदू टेम्पल है एमपी में, और बरौली टेम्पल जो राजस्थान में है जिसमें 8 टेम्पल हैं, ये दोनों टेम्पल जो हैं गुर्जर प्रतिहार के जो आर्किटेक्चर की स्टाइल थी, उस फॉर्मेट में बने हुए हैं, और उसी ड्यूरेशन में बने थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम पे। और एक बरौली टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, उसमें एक घाटेश्वरा महादेव टेम्पल है। और इस टेम्पल से एक इम्पॉर्टेंट ये चीज मुझे लगी, इसमें क्या है, कार्व्ड स्टोन इमेज थी गॉड नटराज की, जो चोरी हो गई, ठीक है, और बरौली टेम्पल से। और ये बाद में क्या 1998 में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1998 में ये चोरी हुई, और बाद में ये पता चला कि ये लंदन में ट्रेस हुई थी ये स्टेचू। तो ये मुझे कुछ मतलब फैक्ट लगा स्ट्रेंज, बरौली टेम्पल का, राजस्थान से एक टेम्पल, वो मतलब एक स्टेचू चोरी हुआ है, तो ये आप देखिए। तो ये और जो आप देख रहे हो कि जो चंदेलास थे, उन्होंने खजुराहो टेम्पल्स बनाए एमपी में, ये चंदेलास भी वसाल्स थे, वसाल्स मतलब उनके सेवक समझिए गुर्जर प्रतिहार के। तो उन्होंने खजुराहो के जो टेम्पल बनाए, वो भी उसी डायनेस्टी के उसी ड्यूरेशन में चल रहे थे, उसी बन रहे थे, ठीक है। तो ये भी वही स्टाइल थी, गुर्जर प्रतिहारा की स्टाइल से बनाया उन्होंने, तो ये उनका आर्ट में कंट्रीब्यूशन रहा। थैंक यू।